Hello, after definite integration, let's get started with application of integrals. जैसा कि मैंने आपको integrals पढ़ाते वक्त इसका idea दिया था कि इसका application हम कैसे करते हैं. सबसे ज़्यादा इसका application होता है area निकालने में under the curves. जैसे कि हमने देखा है कि बचपन से हम geometry पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने कुछ shapes देखी है. भाई square का area होता है a square, ठीक है, square का area होता है a square, triangle का area होता है half base into height, ठीक है, ये बेस है, ये हाइट है. सो इस तरह से हम इन शेप्स का एरिया हम जानते हैं, ठीक है. पैरेललोग्राम हो गया, या फिर आपका पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, मान लीजिए ये आपका साइड ए है, ये आपका साइड बी है, ये भी ए हो गया, ये भी बी हो गया, ये मान लीजिए आपकी हाइट है एच. क्या होता है इसका एरिया, हो जाएगा ए इंटू एच. और ट्रेपेजियम का हम जानते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया होता है, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये आपकी हाइट एच है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच. सो ये कुछ कॉमन शेप्स थी, बट ये सब ज्योमेट्रिकल शेप्स, स्टैंडर्ड शेप्स हैं. आपको ये शेप इसका एरिया नहीं बता सकते कि बताइए इसका एरिया क्या होगा. ये दो कर्व्स हैं, दोनों के बीच का एरिया है, ठीक है. मान लीजिए कर्व कुछ एफ एक्स कर्व है, ये कुछ जी एक्स कर्व है, दोनों के बीच का एरिया. अब ये आपको इनसे पता नहीं लगेगा, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन. यही इसका एप्लीकेशन है, इसको बोलते हैं एरिया अंडर दी कर्व्स. ये तो पहले कुछ सिंपल कर्व से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. कोई कर्व है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है, कोई कर्व वाई एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है, या फिर दो कर्व हैं जैसे एफ एक्स जी एक्स, दो कर्व है उनके बीच में कितना एरिया है, ये हम इस चैप्टर में एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल कर्व से. सो एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, जैसे कि एक डायग्राम में आपको बनाकर दिखाऊं, तो कोई एक एक्स वाई प्लेन बनाते हैं हम, लेट से ये एक्स आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और कोई कर्व है मान लीजिए ऐसा, और आप चाहते हैं कि आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं बिटवीन एक आपका, ये तो कर्व हो गया, ठीक है, लेट से कर्व ऐसा है, एक आपकी लाइन है, लेट से ये आपकी लाइन है, ये है आपकी लाइन एक्स इक्वल टू लेट से ए. एक्स इक्वल टू ए का मतलब क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा जीरो. इस लाइन पे आने वाले जो हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए ही होगा, इसलिए सिचुएशन है एक्स इक्वल टू ए. एक और लाइन कोई ऐसी हो सकती है, लेट से आपकी ये लाइन है x इक्वल टू बी, यानी ये वाला पॉइंट होगा b कॉमा जीरो, ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा a, ये होगा आपका b, x की वैल्यू a और b, और मान लीजिए ये कर्व है आपका एफ एक्स. तो आपको बताना है कि ये जो एरिया है बिटवीन एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस पर हर पॉइंट पर वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है. ऐसे वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है. सो यहाँ पे मुझे ये वाला एरिया निकालना था, इसके बीचों बीच वाला, मुझे लेट से ये शेड शेड कर दिया मैंने एरिया, मुझे ये एरिया पता करना है. ये एरिया किसके बीचों बीच में, ये एरिया है आपका बिटवीन एफ एक्स, एक कर्व हुआ एक्स इक्वल टू ए, एक लाइन हुई एक्स इक्वल टू बी, एक दूसरी लाइन हुई, एंड वाई इज इक्वल टू जीरो तीसरी लाइन हुई. तीन स्ट्रेट लाइंस हैं और एक कर्व है, तो तीनों के बीच में ये इक्वेशन है. कर्व कौन सा है, कौन सा है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. इनके बीच में एरिया निकालना है, तो इसके एरिया के निकालने के लिए हमें क्योंकि कोई शेप तो बन नहीं रही है, ये कोई ट्रेपेजियम तो है नहीं भाई, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो ट्रेपेजियम की तरह निकाल लेते, और क्योंकि कर्व है तो ट्रेपेजियम नहीं है ये. तो हमें क्या करते हैं, हम इसमें छोटा सा एक एलिमेंट मानते हैं पहले, उसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं. अगर छोटा सा मैं एलिमेंट मानूं, तो लेट से मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप इसमें बना लेता हूं, तो लेट से मैंने इस पर एक वर्टिकल स्ट्रिप बना ली जिसकी की विद dx है, और इसी इस पॉइंट पर लेट से कोई भी एक इस पॉइंट पर जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो dx, क्योंकि बहुत छोटा है तो मान सकता हूं कि इस पूरी ये जो दूरी दिख रही है आपको इतनी सी, इस पूरे पे मैं y आपको सेम मान सकता हूं, ठीक है. तो आपका जो एरिया होगा इस छोटे से एलिमेंट का, इसको बोलेंगे एलिमेंट्री एरिया. ये जो ब्लू एलिमेंट है इसको मैं शेड कर देता हूं, ये जो ब्लू एलिमेंट है इसका जो एरिया होगा वो होगा dA. लेट से इसके एरिया को बोल देते हैं हम dA, तो मैं यहां बना देता हूं, इसके एरिया को हम बोलते हैं dA. इसको dA का मतलब है एलिमेंट्री एरिया. ये क्या है, एक तरह से रेक्टेंगल जैसा ही है, लगभग आप यहां से इसको सीधा मान सकते हो, छोटा सा dx है तो ये लगभग रेक्टेंगल जैसा ही है. तो ये आप इसको क्या लिख सकते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ. रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ आप मान सकते हो y, इस पॉइंट पर जो भी y होगा, इस पॉइंट पर जो भी y होगा इनटू dx, यानी ये होगा उसका एलिमेंट्री एरिया वाई डी एक्स. और मुझे पूरा ऐसे खूब सारे इसमें एलिमेंट्री एरिया बनेंगे, ऐसी मैं एक कई सारी स्ट्रिप मान सकता हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप, इनफाइनाइट वर्टिकल स्ट्रिप्स में जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा पास पूरा एरिया आ जाएगा
यदि मैं लिमिट लगा देता हूं एक्सिकल टू ए से लेकर एक्सिकल टू बी तक, तो मेरा जो एरिया होगा जो मुझे चाहिए वो हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट्री एरिया, यानी ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स की लिमिट भी लगेगी एक्सिकल टू ए से लेकर एक्सिकल टू बी तक, और वाई आपका क्या था एफ एक्स था, यानी क्या बन जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स, ये आपका होगा टोटल एरिया, ठीक है ये आपका टोटल एरिया होगा जो ग्रीन से शेड हो रहा है बेसिकली, ये वाला जो एरिया निकाला है वो कौन सा एरिया है, ये आपका ग्रीन से शेडेड एरिया, यहां मैं बना देता हूं ये वाला जो एरिया है ये आपने ये निकाला है, और ये जो आंसर निकल के आ रहा है हमारे पास ये क्या है एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जो फंक्शन है एफ एक्स उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और लिमिट लगा रहे हैं इसे लेकर वी पे, ये क्या हुआ डेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन करना आप जानते ही हो, इसके अलावा जो इसको सॉल्व करने के लिए काम आएगा वो आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, ठीक है तो ये एप्लीकेशन आपको बताना चाह रहा हूं मैं इस चैप्टर में कि सिंपल कर्व्स का एरिया हम इस तरह निकाल सकते हैं किसी भी एक्सेस के साथ। एक दूसरा केस लेते हैं, अब यहाँ पे हमने जो एरिया कंसिडर किया वो हमने एक्स एक्सेस के साथ कंसिडर किया, पर कोई कर्व हो सकता है फंक्शन ऑफ वाई, उस केस में हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। सो यदि कोई फंक्शन वाई का है तो उस केस में आपको डायग्राम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लेट से आपका ये कोई कर्व है इस तरीके का कर्व है कोई, इस कर्व की इक्वेशन है एक्स इजिकल टू एफ ऑफ वाई, एक्स इजिकल टू एफ ऑफ वाई कर्व है, और मान लीजिए आपको दो हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेट से ये है आपकी लाइन वाई बराबर लेट से ए, ये लाइन है आपकी वाई बराबर बी, ऐसा नहीं है कि लाइन खत्म होगी लाइन इन्फाइनेट तक जाती है, मैं डायग्राम को छोटा रखने के लिए यहां तक बना रहा हूं बस, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट होगा आपका ए, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा आपका बी, वाई कोऑर्डिनेट मतलब, अब अगर टू डी में बोलोगे तो क्या होगा जीरो कमा ए जीरो कमा बी, मैं सुविधा के लिए ए लिख रहा हूं, उसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट इसका ए है, और ये आपका कर्व हुआ, और ये वाली जो लाइन है वाई एक्सिस क्या होगी, वाई एक्सिस को बोलते हैं हम एक्स इक्वल टू जीरो, यानी ये वाली जो लाइन है आप इसको यहां बढ़ा दीजिए भले ही, ये वाली जो लाइन है वो है आपकी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इन इस केस में जो आप एरिया निकालना चाह रहे हो वो है बिटवीन एक्स इक्वल टू एफ वाई, ये पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है वाई इज इक्वल टू ए, तीसरा फंक्शन है वाई इज इक्वल टू बी, स्ट्रेट लाइन फंक्शन है ये, और एक फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी इन चारों के बीच में जो एरिया निकालना चाह रहे हो आप वो कैसे निकलेगा, तो इस एरिया को भी मैं शेड कर देता हूं, ये एरिया कुछ ऐसा होगा, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, हम इस केस में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, तो लेट से मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसे ले लेता हूं, पहले हमने वर्टिकल स्ट्रिप ली थी यहां पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं, अब क्योंकि ये स्ट्रिप बहुत ही छोटी सी है पतली सी है बहुत थिन है, तो उस केस में आपका ये जो दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आप लगभग सेम मान सकते हो, यानी इसका ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा आप लगभग इसका सेम मान सकते हो, ये कोई भी एक्स होगा, और ये जो विड्थ होगी वो क्या होगी इसको मान लेंगे डी वाई, यानी जो एलिमेंट्री एरिया होगा डी ए वो बन जाएगा, एलिमेंट्री एरिया डी ए बन जाएगा मेरे पास, ये रेक्टेंगल का एरिया छोटा सा जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका जो लेंथ है वो है लगभग आप एक्स मान सकते हो इंटू इसकी विड्थ है डी वाई, इन टोटल एरिया हो जाएगा जो शेडेड एरिया है इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई, और वाई की लिमिट लगेगी ए से लेकर बी, और एक्स क्या है एक फंक्शन ऑफ वाई है, यानी ये हो जाएगा आपका ए से लेकर बी फंक्शन ऑफ वाई इंटू डी वाई, तो इस तरीके से आप किसी भी कर्व का वाई एक्स के साथ एरिया निकाल सकते हो वाई इक्वल टू ए से लेकर वाई इक्वल टू बी तक के बीच में, तो ये सिंपल कर्व्स हुए, अगर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ एरिया निकालना है तो आप इस तरह निकाल सकते हो एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन या फिर एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन कर, सो ये बात होगी सिंपल कर्व्स की, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो कर्व है वो हमेशा आपका एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर हो, आपका कर्व वाई एक्सिस के नीचे या एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकता है, तो अब मैं जब जितना भी डिस्कशन करूंगा मैं हमेशा एक्स एक्सिस के लिए बनाऊंगा क्योंकि वही हमारा जनरली 90% केस में वैसे ही सवाल हमें फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे किसी और वेरिएबल से हमारी दुश्मनी है, बट हमेशा हम मैथमेटिक्स में हम एक्स को एक वेरिएबल मान के चलते हैं और एक्स में ही ज्यादातर सवाल करते हैं, सो इसलिए आप और आप जानते ही हो कि आप कोई किसी भी इंटीग्रेशन को वाई के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, पहले आपको फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, आपको एज अ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई लिखना पड़ेगा, सो जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कर्व कोई लेते हैं, आपने कोई कर्व लिया, मान लीजिए मैं कोई एक कर्व लेता हूँ स्ट्रेट लाइन, ये मेरा स्ट्रेट लाइन कर्व है, लेट से मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू टू एक्स,
तो इसके से मान लीजिए आपको ये वाला एरिया निकालना है यहां से लेकर यहां तक, ये लेट सी आपका x इक्वल टू जीरो होगा, ये होगा लेट से आपका x इक्वल टू लेट से थ्री की बात कर लेते हैं, तो ये एरिया लेट से ले लेते हैं ए वन, ये वाला जो एरिया होगा उसको बोल देते हैं। तो ए वन एरिया निकालने का मतलब हो गया आपका, क्योंकि आप ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, इन इस केस में स्ट्रिप कैसी बनेगी, वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी, वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी तो उसकी वो क्या होगी, विद क्या होगी, डी एक्स होगी। इन इस केस में जो एरिया आएगा वो होगा ए वन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट लगेगी जीरो से लेकर थ्री, यानी हो जाएगा जीरो से लेकर थ्री एफ एक्स हो जाएगा आपका टू एक्स, क्योंकि वाई इक्वल टू क्या है टू एक्स है इंटू डी एक्स, टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर, लिमिट लगेगी जीरो से लेकर थ्री, डाल दीजिए आप क्या आंसर आ जाएगा आपका थ्री का स्क्वायर यानी नाइन माइनस जीरो, ये आपका आंसर आएगा, यानी ये जो एरिया होगा वो क्या होगा नाइन होगा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे क्रॉस चेक, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, आप इसकी हाइट कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला पॉइंट क्या होगा वाई एक्सिस, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इस वाले पॉइंट का, अगर एक्स इक्वल टू थ्री है तो वाई इक्वल टू क्या होगा सिक्स होगा, ये जो लाइन दिख रही है आपका वर्टिकल लाइन, इस पर यदि एक्स इक्वल टू थ्री है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सिक्स होगा, यानी इसका इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा हाफ बेस, बेस कितना है थ्री इंटू हाइट कितनी है सिक्स, क्या आएगा आंसर नाइन आएगा, ठीक है ये हमने वेरीफाई कर लिया इसमें हमने, यानी आपका जो इंटीग्रेशन का आंसर है आप हमेशा वेरीफाई कर सकते हो, अगर आप कर सको तो, सिंपल शेप के केस में आप कर पाओगे, कर्व वाले केस में नहीं कर पाओगे, बट दैट्स ट्रू। बट यदि आपको इस कर्व का एरिया निकालना था विद रिस्पेक्ट टू वाई, उससे मैं क्या करूंगा वाई से एक लेट से परपेंडिकुलर खींचा मैंने यहां तक थ्री तक, ये तक निकालना है मान लो, और जब एक्स इक्वल टू थ्री होगा तो वाई इक्वल टू क्या होगा अभी मैंने निकाला है, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा सिक्स होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा सिक्स, जब एक्स इक्वल टू थ्री है तो वाई इक्वल टू सिक्स होगा। अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो लेट से इस एरिया को बोलता हूं मैं ए टू, तो मेरा ए टू जो होगा वो होगा ए टू बराबर इसके जो स्ट्रिप बनेगी वो कैसी बनेगी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेगी, यानी उसकी विथ क्या होगी डी वाई विथ होगी, यानी ये हो जाएगा आपका एफ वाई इंटू डी वाई, लिमिट होगी जीरो से लेकर सिक्स, ये क्या हो जाएगा। अब एफ वाई लिखना है तो मतलब आपको एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई लिखना पड़ेगा, अगर वाई इक्वल टू टू एक्स है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई बाय टू, तो ये अब आ गया एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई, आप यहां लिखेंगे वाई अपॉन टू डी वाई जीरो से लेकर सिक्स, वन बाय टू बाहर निकाल लीजिए वाई डी वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है तो ये हो जाएगा टू और बाहर आ जाएगा अंदर बचेगा वाई स्क्वायर, लिमिट लगेगी जीरो से लेकर सिक्स, यानी क्या आ जाएगा थर्टी सिक्स अपॉन फोर, थर्टी सिक्स अपॉन फोर कितना होगा नाइन होगा, सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स होता है, थर्टी सिक्स माइनस जीरो थर्टी सिक्स अपॉन फोर हो जाएगा नाइन, यानी ये भी आंसर आ रहा है नाइन। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसकी इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा हाफ बेस कितना है सिक्स इंटू हाइट कितनी है थ्री, एट्टीन अपॉन टू कितना होता है नाइन ही होगा, यानी ये भी वेरीफाई कर सकते हैं, यानी ये इसके थ्रू मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको कि एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या होता है और एफ वाई डी वाई का मतलब क्या होता है, आपको ये फंक्शन जो है आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है वाई का फंक्शन लिखना पड़ेगा आपको इसको निकालने के लिए, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा जो कर्व है वो आपका पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव वाई के ऊपर ही बने, कैसे भी बन सकता है, चारों जो क्वाड्रेंट्स होते हैं कोऑर्डिनेट एक प्लेन के कहीं भी आपका एरिया हो सकता है, कहीं भी आपका कर्व बन सकता है। लेट से मान लो आपका एरिया इस तरह का होता, आपका जो एफ एक्स है वो मान लीजिए इस तरीके का होता, ठीक है, और आपको निकाल रहा होता एक्स इक्वल टू ए और लेट से एक्स इक्वल टू बी, कंटिन्यूस कर्व है ये, एक्स इक्वल टू ए है ये एक्स इक्वल टू बी है, इस केस में मुझे मान लीजिए ये वाला एरिया निकालना है इसके अंदर वाला, तो आप जानते हैं कि जब भी आपका एरिया नीचे की तरफ बनता है वो कैसा, उसका साइन कैसा आता है नेगेटिव आता है, ठीक है आप हमेशा आप देखेंगे ये निकाल के वो नेगेटिव निकल के आएगा, ठीक है यानी इस केस में आप क्या लिखेंगे एरिया को, इस केस में आप एरिया लिखेंगे, एरिया हो जाएगा आपका लेट से ये आपका एफ एक्स कर्व है वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, एरिया हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए से लेकर बी, और ऐसे केस में हम जानते हैं एरिया हमारा जो आएगा वो निकल के आएगा नेगेटिव। पर जब भी हम एरिया की बात करते हैं ज्योमेट्री में या मैथ्स में तो एरिया हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं, तो हम जनरली जब हमसे एरिया पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो एरिया आप निकाल रहे हो ये इंटीग्रेशन नेगेटिव निकल के आ रहा है, यानी जब भी आप एरिया का फाइनल आंसर देंगे तो आप क्या लगा देंगे उसके आगे एक मॉड लगा देंगे, उसके आप एक आगे एक मॉड लगा देंगे यानी मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स। अगर आपसे केवल मॉड पूछा जाए यानी जनरली जब हमसे एरिया पूछा जाए तो हमेशा हम पॉजिटिव आंसर ही देते हैं, ठीक है एरिया इज
बाय डेफिनेशन पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे जो लिमिट है ए से लेकर बी है, अगर आप लिमिट लगाते हो बी से लेकर ए, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी थी, क्या हो जाएगी वो इंटीग्रेशन आपका साइन पलट जाएगा। तो अगर आप लगाते हो ना, जैसे इस केस में नेगेटिव निकल के आ रहा है, अगर आप लिमिट चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये, और ये मैंने एक्सेस के लिए बनाया है, वाई इक्वल टू एफ एक्स के लिए बनाया है। अगर कोई कर्व आपका एक्स इक्वल टू एफ वाई है, उसके लिए भी आप सोच सकते हो, ठीक है। उस केस में भी आपका नेगेटिव, यानी एरिया बाय डेफिनेशन पॉजिटिव होता है, हमसे पूछा जाए तो हमेशा हम मोड लगा के आंसर देंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो आपका जो कर्व है वो एक ही क्वाड्रेंट में आए। अभी तक मैंने जो डायग्राम बना के दिखाया आपको, एक में कर्व आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, एक में आपका कर्व फोर्थ क्वाड्रेंट में था, ऐसा जरूरी नहीं है। एक कर्व ऐसा भी हो सकता है जो कि एक क्वाड्रेंट से होता हुआ दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसा कोई कर्व है, अब इसमें जो आप एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालोगे, और वो होगा ये वाला एरिया भी। कर्व एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एरिया होगा, लेट्स से इस एरिया को बोल देते हैं ए टू, इस एरिया को बोल देते हैं ए वन। हम जानते हैं हमारा जो ए वन निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा, और जो ए टू निकल के आएगा वो पॉजिटिव निकल के आएगा, ठीक है। इस केस में मान लीजिए ये पॉइंट, मान लीजिए कोई बीच वाला जो पॉइंट है वो सी है, ये पॉइंट निकालना काफी आसान है। कैसे निकालेंगे इस पॉइंट को, हम जानते हैं इस एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। यानी इस एफ एक्स को किसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर रख देंगे, क्योंकि अगर ये सी पॉइंट पे, जो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो, ये जो सी है पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वन कॉमा जीरो, वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी वाई की जगह जीरो डाल देंगे, एक्स की जगह एक्स वन डाल देंगे, तो आपकी एक्स वन की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। लेट से एक्स कोऑर्डिनेट सी निकल के आता है, तो इस केस में आपका जो एरिया होगा ए वन, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर सी एफ एक्स डीएक्स, और हम जानते हैं कैसा निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। ये आपका जो एरिया आएगा ये आपका नेगेटिव निकल के आएगा, आपका जो ए टू है वो आपका पॉजिटिव निकल के आएगा। तो ए टू क्या होगा, ए टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सी से लेकर बी एफ एक्स डीएक्स, और जब हमें एरिया लिखना होगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वन प्लस ए टू। ध्यान रहे मॉड ऑफ ए वन प्लस ए टू मत कर दीजिएगा, अगर आप पहले मॉड ऑफ ए वन प्लस ए टू कर देंगे तो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए वन आता है आपका निकल के माइनस थर्टी, ए टू आता है निकल के ट्वेंटी, असलियत में एरिया कितना हुआ, तीस और बीस पचास हुआ। पर यदि आपने उल्टा लगा दिया मॉड ऑफ ए वन प्लस ए टू, तो मॉड के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस टेन, यानी एरिया आ जाएगा आपका टेन। यानी हमेशा आपको ध्यान रखना है इसका जो एरिया होगा वो होगा मॉड ऑफ माइनस थर्टी प्लस ट्वेंटी, यानी कि फिफ्टी। पहले से मत जोड़ देना इसको, आपको नेगेटिव वाले को पहले अलग रखना है, उसको पॉजिटिव बनाना है, फिर सब दोनों को जोड़ना है। कुल मिलाकर आप इतना सोचे कि आपको एरिया जोड़ना है, इससे मतलब नहीं है कि वो नीचे हो कर्व या ऊपर हो। इस तरह हम कर सकते हैं, और हमें यदि इस केस में स्ट्रिप भी बनानी हो तो स्ट्रिप भी बना सकते हैं। स्ट्रिप इसमें आपकी बनती, इसमें भी आपकी वर्टिकल स्ट्रिप बनती। वर्टिकल स्ट्रिप में हमेशा किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, क्योंकि ये विद आपकी डीएक्स हो जाती है। फिर आप इस वाली हाइट को आप सेम मान लेते हो लगभग, ये क्या हो गया आपका वाई इंटू डीएक्स, वाई को आप लिख लेते हो एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स डीएक्स बन जाता है। इस तरीके से हम इस तरह के कर्व में भी निकाल पाएंगे एरिया। तो आई थिंक इतनी नॉलेज आपको काफी है। अब आप कोई भी कर्व हो आपका, किसी भी क्वाड्रेंट में हो, कहीं से कहीं भी जा रहा हो, आप उसका एरिया अंडर द कर्व निकालने की अब क्षमता रखते हैं कॉन्सेप्चुअली। तो समझने के लिए इसके और सवाल करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सवाल करते हैं कि कैसे हम ये एरिया निकालेंगे कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स के लिए, जैसे कि सर्कल हुआ, एलिप्स हुआ, पैराबोला हुआ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, और कुछ सिंपल केसेस देखते हैं, पहले स्टैंडर्ड कर्व्स देखते हैं, उनके साथ